जय सियाराम। हरिओम हरिओम। अब 2024 में चुनाव आना है, तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है भारत की, उसमें जहाँ जहाँ इन्होंने जैसे हिंदुओं से वोट लिए, हिंदू चेहरा लेके आए, उन्हीं की जड़ें काटी और ये बातें अब खुलने लग गई हैं, तो ये हारने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि इनके पास खोने को कुछ नहीं है, कई बार बोल चुके हैं। तो जिसके पास खोने को कुछ नहीं है वो हारता भी नहीं है, क्या हारेगा भैया, जो है तो जीत ही जीत है, है ना। वो कर्मण्य बाधिकारस्ते वहाँ फलेषु कदाचन, तुम कर्म करते रहो फल जो है ऊपर वाला देता है, ये उसका सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ ये है कि कर्म ऐसा करो कि फल की चिंता ही ना हो। तो ये हमारे महामानव हैं, उनको फल की चिंता नहीं रहती है, लेकिन कर्म करते हैं ज़बरदस्त। चलिए बात करते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि यासीन मलिक 2019 में गिरफ्तार हुआ तो करना पड़ा था, क्योंकि उनको तो मतलब धारा 370 हटाना था, तो जितने भी गुर्गे फुर्गे थे इधर उधर थे जो शोर शराबा करते हैं हटाना था, क्योंकि सबको अलग अलग जा करके तो नहीं समझा पाते, देखो देखो धारा 370 जो हटा रहे हैं वो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत शुरू से है, तो हम दूसरे टर्न में आए हैं तो हटा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो हम पीछे से डोमिसाइल लगा देंगे, जो कश्मीर की स्थिति है परिस्थिति है वैसे ही बनी रहेगी, तुम लोग अपनी मर्जी से जी पाओगे, और जो पॉलिटिशियन सबको भी यहाँ से हटाएंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे जो जैसा सब रहेगा, लेकिन इतना बता के तो नहीं कर सकते थे ना। तो यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया था। इसी यासीन मलिक को आजीवन कारावास नहीं चाहिए, इसको फांसी चाहिए, इसके लिए भारत के सोलिसाइटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में गए। पहले अदालत का डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। ये एनआईए का स्पेशल जज हैं प्रवीण सिंह जी, वो ट्रायल कोर्ट में इन्होंने सजा दी थी, आजीवन कारावास की सजा दी थी यासीन मलिक को, तो उसको आजीवन कारावास की सजा को मृत्यु दंड में तब्दील करने के लिए तुषार मेहता सोलिसाइटर जनरल चले गए थे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का जो बेंच था जिसके सामने वो बहस कर रहे थे, उसमें थे सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह, ठीक। अब बहस करने के दरमियान हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि तुषार मेहता ने कह दिया था कि ये जो आदमी है यासीन मलिक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम करने वाला है, बहुत ही ऊंचे दर्जे का आतंकवादी है, उसामा बिन लादेन से तुलना कर दी उसकी। तो ऑनरेबल जज साहब ने कह दिया लादेन से तुलना कैसे कर सकते हैं आप इसकी, ये लादेन तो कभी ट्रायल में आया नहीं, वो तो कभी अदालत में आया नहीं, और ये जो है यासीन मलिक को तो ट्रायल फेस किया है, और कोर्ट में आके उसने तो माना है कि उसने अपराध किया है। तो फिर तुषार मेहता जी ने कहा कि योर ऑनर आप तो ठीक कहते हैं, क्योंकि अमेरिकन पुलिस ने पाकिस्तान से ही एटाबाबाद से ही उसको गोलियों से छलनी कर दिया, उसको मौका कहाँ दिया ट्रायल फेस करने का, और उसको उठा के फिर समंदर में फेंक दिया, पता भी नहीं चला। तुषार मेहता जी ने बड़े ही साफ तौर से कहा, हुजूर माय लॉर्ड भगवान जी जज साहब, हमने मानवता दिखाई है यासीन मलिक के साथ, इसीलिए उसे गोली तो नहीं मारा, इनकाउंटर तो नहीं किया, उसे अदालत में पेश किया। अब ये बता रहा हूँ कि ये भले ही ट्रायल इसका हो रहा है, भले ही इसने कन्फेस किया है, लेकिन इसका जो अपराध है उसने जुनोसाइड किया है हुजूर कश्मीरी पंडितों का, ये छोटी बात थोड़ी है। तो जज साहब ने कहा कि कोर्ट को तो नहीं पता जुनोसाइड किया है, ऐसी कोई बात तो आई नहीं यहाँ अदालत के सामने में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ है, ऐसी कोई बात तो आई नहीं। ये और बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सुनी ही नहीं, जब लोग गए थे कि वहाँ जेनोसाइड हुआ है जरा आप सुन लो, तो कहा नहीं बहुत पुरानी बात हो गई है, 1984 में का केस जो है सिख दंगा वाला अभी भी चल रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जज साहब जो थे वो इस मूड में ही नहीं थे कि उस बात को सुनी जाए कि जो यासीन मलिक है उसको मृत्युदंड दिया जाए, ठीक है। सच्ची बात तो ये है कि अदालत के सामने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं गया, इसीलिए कि जाने नहीं दिया गया। मोदी जी ने तो माना नहीं आज तक कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ है, अमित शाह ने तो माना नहीं आज तक, अगर मान लेते तो आज भी जो कश्मीरी पंडितों का टारगेट किलिंग होती है 370 हटने के बाद भी, और अभी कल देख रहा था डाटा 21 लोगों को टारगेट किलिंग हुई है, खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के आधार कार्ड देख देख के जो मारा गया है,
होता नहीं। तो किसी भी नरसंहार को नरसंहार नहीं मानना, नरसंहार होते रहने देना है। ये बहुत ही सीधी सी और सीधा सा फंडा है, फॉर्मूला है, फैक्ट्स हैं। तो ये जो जज साहब थे उनको लग रहा था कि भैया इसके मृत्युदंड की बात, यासीन मलिक के मृत्युदंड की बात हम क्यों सुन रहे हैं। और तुषार मेहता थे कि वो अपने एक के बाद एक दलील देते जा रहे थे। उसने कहा कि हुजूर इसने चार चार एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या की है, इसने तत्कालीन गृह मंत्री सईद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी रुबैया सईद का अपहरण किया हुआ है। आप सबको जरा मैं बता दूं कि ये जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो 2 दिसंबर 1989 को गृह मंत्री बनाए गए थे देश के, और उसके 5 दिन के बाद इनकी बेटी गायब हो गई थी, उसका अपहरण कर लिया गया था, पूरे देश में हंगामा मच गया था। तो उस बेटी को छोड़ने के बदले जो सौदा हुआ उसमें सबसे खूंखार तम आतंकवादी छोड़े गए, और वो लड़की आराम से सकुशल घर वापस आ गई। और 2 दिसंबर 1989 को मुफ्ती इस मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने, 5 दिन बाद उनकी बेटी जो है रुबैया सईद गायब हो गई, उसका अपहरण हो गया, फिर 5 दिन के बाद वापस आ गई। और 2 दिसंबर से 19 जनवरी, कितने दिन होते हैं गिन लो, होलोकास्ट डे मनाते हैं आज भी कश्मीरी पंडित, 19 जनवरी को उनका जिनोसाइड हो गया, उनकी हत्या हो गई, मारा पीटा जाने लग गया। और कश्मीरी पंडित के लिए जो मस्जिद से आवाज़ आने लगी थी कि भैया तुम लोग काफिर हो, या तो कश्मीर छोड़ दो या इस्लाम ले लो, लेकिन जो पहली बात करोगे जो कश्मीर छोड़ोगे वो अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के जाओ, खून नहीं खोलता है। और उस नैरेटिव को आज तक भारत में जिंदा रखा हुआ है। मोदी जी ने, शाह जी ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ इसे नहीं मानकर, और ये अदालत भी कह रही थी कि मैं कैसे मान लूँ कि नरसंहार हुआ है, कैसे मान लूँ, हमारे सामने तो इतनी कोई बात है ही नहीं। मोदी जी की दूरदृष्टि ये है कि जब सारे मतलब जो प्यादे हैं, जो मुद्दे हैं, जो हिंदुओं के माइंड को स्ट्राइक करता है, जो जैसे धारा 370 आज भी सभी समझ रहे हैं ना कि ये अब तक का सबसे बहादुरी बड़ा काम था, वो ताकत वाला काम था जिसे मोदी ने कर दिया, शाह ने कर दिया। लेकिन किसी को ये थोड़ी पता है कि पीछे से डोमिसाइल एक्ट लग गया, वो कश्मीर जो है वो बिहार पंजाब नहीं है, वो तमिलनाडु महाराष्ट्र नहीं है कि अब जाओ पैसे हैं तो ज़मीन खरीदो रह लो, वहाँ डोमिसाइल 20 साल का। खैर आगे बढ़ते हैं, वो उसे मृत्युदंड क्यों दिलाना चाहते हैं मोदी? तुषार मेहता क्या बिना मोदी के इंस्ट्रक्शन के, बिना मोदी जी की सलाह के, बिना मोदी जी की इच्छा के अदालत में जा कर के चिल्लाए जा रहे हैं कि इसको ये बहुत ख़तरनाक अपराधी है, ये जिनोसाइड किया हुआ है? अरे जिनोसाइड किया हुआ तो मान लो ना, इसने 4 एयरफोर्स के अपराधियों की हत्या की हुई है तो भैया उसका सबूत दो ना, इसने रुबिया की अपहरण किया था तो फिर तो उधर डिटेल ख़त्म हो गया ना, उसमें तो सौदा कर ली सरकार ने। जैसा आप बता रहे थे तुषार मेहता जी से कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि जितने लोगों की हत्या इसने की है और जो जो कुछ वहाँ जैसे जिनोसाइड हुआ, आप जो जो कह रहे हैं इसके नाम से आरोप लगा रहे हैं उसका डिटेल तो ले आइए, कितने लोग मरे, क्या हुआ, नहीं हुआ मरे। तुषार मेहता जी ने कोर्ट के सामने ये बात भी रखी कि 2003 में नादी मार्ग में एक साथ जो 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी, एक साथ लाइन में खड़ा करके उन्हें गोली से मारा गया था, जिसमें 11 पुरुष थे, 11 स्त्री थी और 2 बच्चे थे, उसमें भी इसी यासीन मलिक का हाथ था। एक और फैक्ट बता दूं आपको कि इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं आज 2023 में कोर्ट में कुछ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए उस अपराध के लिए, तो उस समय जो गिरफ़्तार हुआ था उसका नाम था जिया मुस्तफ़ा, वो लश्कर ए तैयबा का कमांडर था, हैं 2003 में वो अरेस्ट हुआ, फिर जेल में था, है ना। अब इतनी अब उसकी उसका उसको उस जगह पे ले जाया गया था बहुत बाद में आकर के कि जरा बताओ कि और तेरे आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं। 2019 या 20 में उसको ले जाया गया था और फिर उसको क्रॉस फायरिंग में उसकी हत्या हुई थी, मारा गया था वो जिया मुस्तफ़ा, क्रॉस फायरिंग में मारा गया था। तो मारा गया था, हम ये मानते हैं कि उसका इनकाउंटर कर दिया आर्मी ने,
इतना बड़ा अपराधी को क्या रखना था जेल में, तो ये इसको क्यों जिंदा रखा यासिन मलिक को? ये इतना बड़ा अपराधी, कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड करने वाला, चार एयरफोर्स के एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारने वाला, वो गृह मंत्री की बेटी का अपहरण करने वाला, अपहरण के बदले इतना आतंकवादियों को छुड़ाने वाला और जिनोसाइड करा देने वाला, कश्मीर को हिंदुओं से अलग कर देने वाला, जिंदा क्यों है? क्यों जिंदा है? इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ इसका? एक एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ के गोली मारी जा रही है ना, तो यासिन मलिक क्यों जिंदा है? जिंदा रखना है ना उसको, और अदालत से उसको फांसी की सजा दिलवानी है। एनकाउंटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देश की हालत खराब हो जाएगी, तृप्तिकरण खत्म हो जाएगा, इस्लामीकरण के मुहाने पर जो देश आ गया तृप्तिकरण के कारण, उस पर ब्लो पड़ जाएगा। ये यासिन मलिक जिंदा क्यों है जबकि सरकार उसे ख़त्म करना चाहती है? अब कहते हैं कानून के बिना तो कुछ होता नहीं, वो तो अरेस्टेड है, वो तो जेल में है, उसको तो कानून के माध्यम से ही सजा दी जा सकती है। तो मैं बता दूं कि जेल में है तभी तो इनकाउंटर हुआ था कमांडर मुस्तफा का, जो उसको भी तो जेल से निकाल के ही ले गए थे ना जंगलों में, कि बता कहाँ कहाँ आतंकवादी छुपे हुए, तुम तेरे को पता होगा, तो क्रॉस फायरिंग मारा गया। तो ऐसे ही यासिन मलिक को भी ले जाओ ना कहीं देख सुनने के लिए, कि बता रुबिया को जब तुमने अपहरण किया तो कहाँ रखा था, वो जगह दिखा, वहीं पे कोई उसको गोली मार देगा। इनकाउंटर तो ऐसे ही होता है ना। तो ये तुषार मेहता एक ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में जा कर के, मतलब लाइफ सेंटेंस को डेथ सेंटेंस में बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? उसको जिंदा क्यों रखा हुआ है? उसको मार कर क्या हासिल होगा? आप लोग सोचिए, समझिए। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम समझें कि हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा में हम विश्वास करते हैं, हिंदू सत्ता की व्यवस्था इस देश में चाहते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या घालमेल हो रहा है, कहां कहां हमें ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहां से शोषण हो रहा है हमारा, कि एक सत्ता में बैठे जो शीर्ष के हैं वो अपीजमेंट से लेके तृप्तिकरण से लेके संतुष्टिकरण से लेके देश को कहाँ ले आए हैं, और अब चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे भी उठा रहे हैं कि यासिन मलिक को फांसी दो, उसे तो कब के मार देना चाहिए था। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। जय सियाराम, हरिओम।